सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम शतक में। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पीएम मोदी, एफआईपीआईसी बैठक से चीन पर कसेंगे नकेल। पीएम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ की मुलाकात। ₹2000 का नोट बदलने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं, एसबीआई ने जारी किया नोटिस। मानवीय सहायता हो या विकास, भरोसेमंद पार्टनर है भारत, एफआईपीआईसी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, चीन से जारी सीमा विवाद के बीच बोले पीएम मोदी। नॉर्थ ईस्ट को मिलने वाली है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर हुआ ट्रायल वर्क। पीएम मोदी और ऋषि सुनक गले मिले, ब्रिटिश उच्चायोग ने ट्वीट कर लिखा मजबूत दोस्ती। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के चलते एक महिला की मौत, बच्चा लापता, सीएम सिद्धरमैया ने जताया दुख। ₹2000 का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे पीएम मोदी, पूर्व सहयोगी का दावा, कांग्रेस ने बताया लीपा पोती। कश्मीर में G20 मीटिंग आज से, भारत ने कहा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप देखेगा धरती पर स्वर्ग कैसा होता है, चीन हिस्सा नहीं लेगा। इंस्टाग्राम 2 घंटे डाउन रहा, दुनिया भर में 1.8 लाख यूजर्स ने शिकायत की, 4 दिन में दूसरा मामला। तमिलनाडु में सरकारी बार से शराब पी 2 की मौत, हफ्ते भर पहले जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 पार, येलो अलर्ट, यूपी में झुलसाने वाली गर्मी के लिए रहे तैयार। बेंगलुरु में अंडरपास में बह गई कार, युवती की मौत, ओडिशा में आंधी से तार टूटकर वंदे भारत ट्रेन पर गिरी, एमपी राजस्थान में भी बारिश। ब्रजभूषण सिंह नार्को टेस्ट के लिए तैयार, बोले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी टेस्ट हो। रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत का फैसला, 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च, 28 को नए संसद भवन में महिला महापंचायत। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग से की मारपीट, मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से हुआ घायल। औरैया में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 25 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 अभियुक्त को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। औरैया में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का दिया आदेश, हेलमेट काफी सुरक्षा के लिए इसलिए इसका उपयोग अवश्य करें। बिजनौर में बीच सड़क पर 3 युवकों के बीच हुई मारपीट, चौराहे पर लगा जाम, आवागमन हुआ बाधित।
सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं। गाजियाबाद में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, तेंदुए के पकड़े जाने से इलाके में लोगों ने ली राहत की सांस। गाजीपुर में शूटर अंगद राय की बेनामी संपत्ति कुर्क, अंगद राय की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की। गाजीपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही बीजेपी, ओपी राजभर दगी कारतूस जैसे सपा में आए थे और बाहर हो गए। कुशीनगर में खोटही के पूर्व प्रधान की हत्या, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के 17 जिलों में लू का अलर्ट, 23 मई से बारिश होने की संभावना, मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि इस साल सामान्य से 30% ज्यादा गर्मी बीते सालों में पहली बार पड़ी है। संभल में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा किसान, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर का मामला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दफ्तर बनकर तैयार, विधि विधान के साथ होगा दफ्तर का उद्घाटन, निर्माण की देखरेख का पूरा काम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। लखनऊ में अवैध एक्सचेंज चलाने वालों को रिमांड पर लेगा एटीएस, एटीएस की टीम ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, कानपुर के जीटी रोड निवासी मनीष और रवि कुमार की तलाश जारी। चंदौली में मालगाड़ी के दो डिब्बे हुए बेपटरी, परिचालन ठप, यात्री परेशान, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट से स्कूटी में लगी आग, स्कूटी सहित घर का सामान हुआ जलकर खाक, घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कासगंज में हुई युवक युवती की मौत से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस, मौके पर आला अधिकारी का आना जाना लगा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यूपी कनेक्शन, एनआईए ने लखनऊ समेत 5 शहरों में की छापेमारी, लॉरेंस गैंग अब यूपी में कर रहा ड्रग सप्लाई। लखनऊ में नाबालिग का कराया गया गर्भपात, डिप्टी सीएम के निर्देश पर अवैध अस्पताल सीज, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को किया सील। पीलीभीत में किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी का केस दर्ज, कांग्रेस नेता समेत ललन कुमार को धमकी देने का केस दर्ज किया गया। बुलंदशहर में हत्या के आरोपी पर कोर्ट के बाहर फायरिंग, कोर्ट में तारीख पर आए आरोपी पर फायरिंग, पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया। अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से हो रही जमीन की अवैध खुदाई, जेसीबी से खुदाई कर भट्टे पर लेकर जाते हैं मिट्टी, मानक को दरकिनार करके जेसीबी से हो रही है अवैध खुदाई। बलिया में हादसे की सनसनीखेज घटना आई सामने, मुंडन संस्कार के लिए गंगा पार जा रही सवारियों से भरी नाव डूबी, घटना में कई लोगों के डूबने की आशंका। बुलंदशहर में ककौड़ कोतवाल का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में नोट गिनते नजर आ रहे हैं कोतवाल, कार्यालय में नोट गिनते कोतवाल का वीडियो वायरल। देवरिया में दबंगों के इशारों पर चल रहा थाना, प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, न्याय की गुहार लगाने युवती पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय।
देवरिया में गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग पर काबू मिलने के बाद व्यापारियों ने ली राहत की सांस। हरदोई में मोहलिया शिवपार में हुई महिला की मौत का मामला। परिजनों ने एसपी आवास का किया घेराव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में अपराधियों ने पुलिस के सामने युवक को पीटा। पुराने शीटरों ने की पुलिस के सामने गुंडई। पुलिस के सामने गुंडई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में शराब बेचने वाले ठेकेदारों के हौसले हुए बुलंद। सुबह 5 बजे से धड़ल्ले से ब्लैक में बिक रही है शराब। पुलिस कार्रवाई के नाम पर कर रही है खानापूर्ति। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान की चलाया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री को अभियान के मॉनिटरिंग की दी गई जिम्मेदारी। सुनील बंसल को जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में हरियाणा के 3 यात्रियों की हुई मौत। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में 62% अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। पेपर लीक प्रकरण के बाद हुई पहली परीक्षा। कटौती से बचने के लिए यूपीसीएल ने खरीदी 660 मेगावाट बिजली। नियामक आयोग को मिली मंजूरी। यमुनोत्री धाम आए यूपी के तीर्थयात्री को हार्ट अटैक से मौत। अब तक 17 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। सभी निकायों में 24 को चलेगा विशेष सफाई अभियान। निदेशालय को भेजनी होगी अभियान की तस्वीरें। महिला समूहों को 10 लाख तक ब्याज मुफ्त ऋण देने की तैयारी। अच्छा काम करने पर यह भी सुविधा मिलेगी। नजीबाबाद कोटद्वार राजमार्ग का निर्माण जल्द होगा शुरू। विस अध्यक्ष ने की केंद्रीय सचिव के साथ बैठक। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक के 47 आरोपियों पर 5 साल का प्रतिबंध। परीक्षा में ब्लूटूथ से हुई थी नकल। पुलिस कांस्टेबल फायरमैन भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। 1520 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ₹12.35 लाख तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। मौसम के साथ देता तो इस बार 1 महीने में बनता रिकॉर्ड। मंत्री प्रेमचंद का मारपीट प्रकरण। 25 मई को ऋषिकेश में महापंचायत करेंगी पीड़ित युवक सुरेंद्र नेगी की पत्नी। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर गर्भाधार में दर की चट्टान। धाराचुला और बूंदी में फंसे 100 से ज्यादा यात्री। दिल्ली से बागेश्वर घूमने आए थे 5 दोस्त। नहाते समय एक नदी में बहा नहीं लगा कोई सुराग। फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर पहुंचे 4 पत्रकार। प्रधान सहायक से की ठगी। 3 गिरफ्तार। महाजनसंपर्क अभियान के लिए भाजपा ने तय किए कार्यक्रम और जिम्मेदारी। 1 से 20 जून तक होगी जनसभाएं। पापुआ न्यू गिनी के पीएम बोले भारत हमारा लीडर। मोदी ने कहा कोरोना में हमने मदद की। जिन पर भरोसा किया वो साथ नहीं।
का आर्मी चीफ पर आरोप, बोले जनरल मुनीर नहीं चाहते मैं सत्ता में वापसी करूं, मेरे कत्ल की साजिश रची जा रही है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए, परंपरा तोड़कर सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया, प्रधानमंत्री 14 आइलैंड के प्रमुखता से मिलेंगे। पाकिस्तान चीन के रिश्तों में तनाव, सीपीईसी के तमाम प्रोजेक्ट्स 2 साल में से बंद, आईएमएफ भी लोन देने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से मांगा समर्थन, कहा लोकतंत्र स्वतंत्रता का हो सम्मान। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद भातवंशी लापता, चोटी की फतह करने के लिए सिंगापुर से आए थे। G7 के मंच पर पीएम मोदी ने गिनाई संयुक्त राष्ट्र की कमियां, कहा ऐसी संस्थाएं 21वीं सदी के अनुरूप नहीं। दुबई कस्टम्स विलुप्त प्रजाति के पशुओं और पौधों के 200 नमूने किए जब्त, सीआईटीएस के नियमों का उल्लंघन। मैक्सिको में ड्रग माफियाओं के बीच गैंग वॉर, 11 की मौत, कार रेसिंग के दौरान फायरिंग की, मरने वाले सभी कार रेसर्स। पीएम मोदी को मिला प्लाउ का इकबाल अवार्ड, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बोले भारत हमारा लीडर, पैर छूकर मोदी का स्वागत किया गया था। ₹2000 के नोट में 50,000 से अधिक कैश जमा करने पर देना होगा पैन, आरबीआई गवर्नर ने दिए सभी सवालों के जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ₹2000 के नोट बदलने वाले लोगों के लिए शेड और पानी की व्यवस्था करे बैंक। लाल से हरे निशान में लौटा सेंसेक्स, निफ्टी अडानी ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त तेजी। घर मिलने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर, इस साल कई लोग फ्लैट की चाबी सौंपेंगे डेवलपर्स। गर्मी की छुट्टियों में फैमिली के साथ घूमने की प्लानिंग, डिस्काउंट के नाम पर जमकर हो रही ठगी। धनशोधन से जुड़े मामले में ईडी के सामने पेश हुए जयंत पाटिल, घर से निकलने से पहले एनसीपी नेता ने कही बात, मैं कानूनी दायरे के तहत जवाब देने की कोशिश करूंगा। श्रीराम 1.50 लाख एजेंटों की करेगी भर्ती, इन्फोगेन 1000 लोगों को देगी नौकरी। ₹75,000 कर बचाने का है विकल्प, सभी कटौतियों का दावा जरूर करना चाहिए, गैजेट के मूल्य पर केवल 10% का टैक्स। के नोट को बदलने को 15% तक महंगा सोना खरीद रहे लोग, कारोबार पर असर नहीं। आरबीआई गवर्नर बोले नोट बदलने के लिए भीड़ ना लगाएं, लोगों के पास 4 महीने का समय, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे। खिताबी हैट्रिक लगाने वाले सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराया, जूलियन अल्वारेज ने किया गोल। गोकुलम केरल ने लगातार तीसरी बार जीता खिताब, फाइनल में कर्नाटक को हराया।
आरसीबी की हार के बाद फैंस ने शुभमन गिल को दी जमकर गालियां, फिर टूटा कोहली का खिताब, जीतने का सपना। नवीन उल हक नहीं छोड़ रहे विराट कोहली का पीछा, अब आरसीबी के प्लेऑफ में नहीं पहुंचने पर उड़ाया मजाक। ग्रीन की सेंचुरी कराने के लिए सूर्या ने लिया सिंगल, रोहित को मिले दो जीवनदान। गुजरात की जीत से मुंबई में जश्न, गिल ने छक्के के साथ पूरा किया सीजन का दूसरा शतक, कोहली की बराबरी की। एक ट्वीट करना सौरभ गांगुली को पड़ा भारी, विराट कोहली के फैंस ने लिया आड़े हाथ, कहा आप बस नाम के। विराट कोहली ने कैप में छिपाया मुंह तो जमीन पर गिरे सिराज, आईपीएल 2023 से आउट होने पर आरसीबी को लगा गहरा सदमा, खिलाड़ियों के चेहरे पर छाई मायूसी। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल बने मसीहा, विराट कोहली जैसा कारनामा दोहराकर आरसीबी को उसके घर में किया शर्मसार। दीप ग्रेस के गोल से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका, तीन मैच की सीरीज 2-0 से हारी। तेलुगु म्यूजिक कंपोजर राज का 68 साल की उम्र में निधन, चिरंजीवी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। असित मोदी पर रीटा रिपोर्टर ने भी लगाए गंभीर आरोप, प्रिया आहूजा बोली मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जुलाई में टीम के साथ टूर पर निकलेंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा, विदेश में 6 शहरों में करेंगे परफॉर्म। फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए अनुपम खेर, पोस्ट शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट। फिल्म की रिलीज से पहले ख्वाजा की दरगाह पहुंची सारा अली खान, जियारत कर मांगी दुआ। विन डीजल की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के 10वें पार्ट ने आते ही हिलाया द केरल स्टोरी का शासन, जबरदस्त रहा कलेक्शन। विवेक अग्निहोत्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल पर साधा निशाना, कहा फिल्मों को फैशन से किया जा रहा रिप्लेस। प्रियंका चोपड़ा के डॉग संग मालती की है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, गार्डन में दोनों के प्ले टाइम की तस्वीरें हुए वायरल। कोरिया में बनेगी दृश्यम की रिमेक, कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ ऐलान, पैरासाइट एक्टर सॉन्ग कॉन्ग हो निभाएंगे लीड रोल। दिया मिर्जा के अकाउंट पर वापस नहीं आया ब्लू टिकट, ट्विटर से मांगी मदद, बोली मैंने ब्लू प्लान भी लिया हुआ है। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।